दोस्तों, जब दूरबीन की खोज नहीं हुई थी तब एक डच चश्मा निर्माता हैंस लिपर्से का पुत्र चश्मे के लेंस के साथ खेला करता था और उस लेंस की मदद से अपने आसपास की चीजों को देखा करता था। इसी तरह एक दिन जब वह दो लेंसों को एक साथ लगाकर देख रहा था कि तभी वह डर गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वो एकदम उसके पास आ गई। इसके बाद उसने सारी जानकारी पापा लिपर्से को दी। इसके कुछ समय बाद हैंस लिपर्से ने 2 अक्टूबर 1608 को हॉलैंड में दूरबीन के लिए पेटेंट का आवेदन दिया। गैलीलियो ने इसमें कई सुधार किए और पहली बार आकाशीय वस्तुओं के वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन के लिए दूरबीन का व्यापक रूप से प्रयोग किया। इस दूरबीन की मदद से गैलीलियो ने चंद्रमा पर उपस्थित क्रेटर और जुपिटर के चारों ओर चार मून्स को ऑर्बिट करते देखा, जिन्हें हम आइओ, गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो के नाम से जानते हैं।